हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सनी भाटिया आपके मेरे यूट्यूब चैनल द सन सनी में स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं और आज का टॉपिक है आप घर पर अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें, यानी कि आप अपने शरीर से गंदगी बाहर कैसे निकालें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम ऐसे वातावरण में रहते हैं कि अपने आप को हेल्दी रखना यानी कि स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके हम 30 से भी ज़्यादा बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे एक्ने, अर्थराइटिस, अस्थमा, इंसोम्निया, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन जैसी बहुत सी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बनाना बहुत ही ईजी है। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के साथ आप ये डिटॉक्स तैयार कर सकते हैं और एक डिटॉक्स की कीमत आपके मल्टीविटामिन टैबलेट से भी सस्ती पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों, डेली लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में चले जाते हैं, जैसे पॉल्यूशन के जरिए, वातावरण में जो डस्ट है उसके थ्रू, जो भी फ्राइड फूड हम खाते हैं उससे, स्मोकिंग, अल्कोहल और जो लेडीज मेकअप करती है उसके थ्रू भी हमारे शरीर में काफ़ी टॉक्सिन्स चले जाते हैं, जिनको हर सुबह गंदगी को यानी जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में हैं उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जो फूड हमें नेचर से नहीं मिलते वो हमारे शरीर के लिए पचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तब जाके ये फूड हमारी आंतों में चिपक जाते हैं और सड़ने लगते हैं। जब टॉक्सिन्स ब्लड के थ्रू हमारे बाकी सभी ऑर्गन्स में जाते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जैसे अगर ये टॉक्सिन चेहरे की लेयर पे आ जाए तो एक्ने, अगर ये टॉक्सिन आंतों में चिपक जाए तो कॉन्स्टिपेशन जैसी कई बीमारियाँ हो जाती हैं। दोस्तों, अगर शरीर से इन गंदगी को बाहर ना निकाला जाए तो हमारे शरीर में काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। चलो दोस्तों, अब ज्ञान तो काफ़ी हुआ, अब हम देखते हैं कि वो कौन सा उपाय है जिसको करके हम अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक नींबू। नींबू हमें कोशिश करें कि ऑर्गेनिक ही मिले, लेकिन आजकल के टाइम में ऑर्गेनिक नींबू मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो नींबू आप मार्केट से लाएंगे उसमें काफ़ी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोशिश करें घर पर ही नींबू को उगाएं। अगर आपको ऑर्गेनिक नींबू नहीं मिल पाता तो आप मार्केट से नींबू को परचेस करें और घर पर आकर उसको अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद भी उसमें से जो कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं निकल पाती, तो उसके लिए हम एक चीज़ करेंगे, जो पार्ट पौधे की तरफ लगा होता है, जो अटैच होता है पौधे की तरफ, उसको हम थोड़ा सा काट लेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से काट के निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी इसमें से जो कीटनाशक दवाइयां हैं वो नहीं निकल पाती, लेकिन उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, तो हम इस नींबू का इस्तेमाल करेंगे। ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 300 से 400 ml हल्का गर्म पानी, फिर इसमें नींबू के बारीक बारीक स्लाइस काट के डाल देंगे। आप यहाँ पर पूरा नींबू पानी में निचोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने इस ड्रिंक में नींबू की स्लाइस का यूज़ ही किया है। जो हमने नींबू की स्लाइस पानी में काट के रखी है वो हमें 2-3 मिनट तक ऐसे ही रखनी है ताकि हमें इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नींबू में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इससे हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो अगर आपके खाने में विटामिन सी की कमी है तो नींबू पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आपको सुबह उठते ही आपको पहले खाली पेट पानी पीना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद फ्रेश होने के बाद, टूथब्रश करने के बाद आपको एक गिलास ये नींबू पानी पीना है। इस नींबू पानी में आपको कोई भी चीनी या नमक ऐड नहीं करना है। इस ड्रिंक को पीने से आपके शरीर की गंदगी है वो तो बाहर निकलेगी ही, साथ ही आपको वजन कम करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपका गला ख़राब है, आपको कफ है, आपको कोल्ड है या आपको फ्लू है, या आपको बार बार कफ या कोल्ड होता हो, तो आप इसमें आधे चम्मच से लेकर एक चम्मच तक
हनी यानी कि शहद ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, देखा आपने कि ये ड्रिंक बनाना कितना आसान है। आप इसको रोज़ सुबह खाली पेट जरूर पीजिएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।